अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो अमल है बहुत ख़ास है, मोमबत्ती के मोकिल का अमल। बहुत से लोगों और बहन भाइयों की फरमाइश पर कि उन्हें अमलियात सिखाई जाए, अमले मोकिल सिखाए जाएं, बातनी आँख, रूहानी आँख, तो आज उन्हीं अमल के बारे में बात की जाएगी। सबसे प्यारा अमल ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनस्सालिमीन, आयत करीमा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ। तो इस दुआ के जो मोकिल हैं बहुत बाबरकत और बहुत जल्दी हाजिरी करने वाले हैं। ये काबू मोकल को करने का अमल नहीं है, ये हाजिरी ये मोकल है। दिन नौ चंदी जुमेरात किसको कहते हैं? नए इस्लामिक हिसाब के दिनों की पहली माह की पहली तारीखें, जैसे चांद की 14 होती है ना, तो इससे बैत जो उनसी तारीख होती है ना, तो वो नौ चंदी जुमेरात में शमाल होती है। ठीक है, जैसा कि नौ चंदी जुमेरात चांद की पहली से लेकर जो नौ चंदी चांद की पहली से लेकर जो जुमेरात या जो इतवार, जो पीर, जो मंगल आएगा वो नौ चंदी ही कहलाएगा। दिन जुमेरात का हो पर नौ चंदी जुमेरात हो, यानी चांद की जुमेरात पहले दिनों में जो आएगी वो चांद की नौ चंदी जुमेरात होगी। इस्लामिक दिनों के हिसाब से जो चांद है पहली फर्स्ट तारीख में जो आएगा, जैसे चांद की पहली तारीख यानी इस्लामिक महीने की पहली तारीख, तो पहले चांद की पहली, चाहे वो इतवार को है, पीर को है, मंगल को है, बुध को है, अगर फ़र्ज़ करें कि इन दिनों में जैसे चांद की पहली तारीख इतवार को है, तो इसमें जुमेरात को नौ चंदी जुमेरात कहा जाएगा। ठीक है, बहुत प्यारा और बहुत ख़ास अमल मैं आपको आज समझाऊंगी। आप इसको अमलियात जो सीख रहे हैं बस वही बहन भाई करें और इजाज़त ज़रूरी है। अहदीस पाक से शुरू करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान को ऐसी जगह जलील करे जहाँ इसकी इज्जत जाती हो, तो अल्लाह पाक उस इंसान को ऐसी जगह ही जलील करेंगे जहाँ पर उसको अपने रब की ज़रूरत होगी। तो प्यारे बहन भाइयों, आपको कोई हक नहीं पहुँचता किसी भी बहन भाई को तकलीफ़ पहुँचाने का, तो इस चीज़ से गुरेज करें और देखें कि आसपास किसी को तकलीफ़ तो नहीं आपकी वजह से। इसके बाद अमल शुरू करते हैं। सुरख मोमबत्ती आपने एक सफ़ेद प्लेट ले लेनी है, पत्थर की ले लें, पत्थर चीनी की ले लें, जैसे भी आपको मुनासिब लगे। सफ़ेद प्लेट में सुरख मोमबत्ती जला दें। ऐसी जगह बैठकर अमल करें जहां पर मोमबत्ती ज़्यादा हिले नहीं। ये नक्श बनाकर पहले बाजू पर बांध लें, फिर अपना मुंह खाना काबा की तरफ कर लें, बस आपने मोमबत्ती में देखना है। ये अमल 7 दिन का है, सिर्फ 7 दिन ही ये अमल किया जाएगा। ठीक है, ये अमल 7 दिन का है। अब आपने खाना काबा की तरफ मुंह कर लेना, मोमबत्ती जला लेनी है। अब आयत करीमा को अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 41 बार पढ़ना है। जब आप ये अमल शुरू करने लगेंगे ना, थोड़ी सी मिठाई ले आएं, मिठाई में 7 गुलाब जामुन हो, ना बर्फी हो ना मीठे में कोई और चीज़ हो, वो गुलाब जामुन ही हो। जो भी मोकिल हाजिर होंगे वो मोमबत्ती की लो में हाजिर होंगे। ठीक है, उसी में आपको नज़र आएंगे। मोमबत्ती की लो में जब हाजिर होंगे तो ये 7 दिन के बाद हाजिर होंगे। अगर फ़र्ज़ करें आपकी रूहानियत बहुत तेज़ है तो ये पहले दिन भी हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपने इनसे बात नहीं करनी जब तक 7 दिन ना हो जाएं। 7 दिन जब पूरे हो जाएं फिर आपसे ये बात भी करेंगे, आपकी बात सुनेंगे भी।
ये बहुत आसान अमल है और बहुत से आमी लोगों का आजमाया हुआ है, ठीक है। ये बहुत आसान अमल मोकिल है, ना कि मोकिल को कैद करने का। मोकिल की सिर्फ हाजिरी है और आयत क्रीमा के मोकिल की हाजिरी है, और ये बहुत आसान और बहुत रहम दिल मोकिल है। ये अमल आपको कोई भी नहीं बताएगा और ना ही समझाएगा। अब आपने क्या करना है, जो रस ये गुलाब जामुन है, ये आपने जो रखे थे 7 दिन के लिए, तो ये आपने ये जब 7 दिन पूरे हो जाएं, मोकिल हाजिर हो जाएं, बात आपकी हो जाए, तो फिर आप उनसे आने का वादा करें कि जब भी 3 मरतबा आप ये कलमा पढ़ेंगे आयत करीमे का, तो फिर वो हाजिर हों, तो फिर वो हाजिर हो जाया करेंगे, और जो भी आप उनको काम कहेंगे अल्लाह के हुक्म से वो आपकी बात मानेंगे, ठीक है। तो गुलाब जामुन फिर बच्चों में तकसीम कर दें, खुद ना खाएं, बच्चों में तकसीम करें। ये बहुत खूबसूरत अमल है, लेकिन एक बात याद रखें, अमलियात बहुत ख़ास होती हैं और इनको करने में थोड़ी मेहनत दरकार होती है। अगर चाहते हैं कि मैं आपके साथ खुद आपके लिए हिसार भी करूं, मेहनत भी करूं, तो फिर आप राब्ता कर सकते हैं। ये तमाम अमल और अमलियात मदरसा फातिमा ज़हरा की तरफ से पेश की जा रही हैं। एक दफ़ा ये ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी मुश्किलें आसान करें। मेरी दुआ है कि आप भी एक अच्छे आमिल बने, ना कि गलत किस्म के झूठे मक्कार और ढोंगी आमिल बनने का आपको कोई फायदा नहीं। जो भी आमिल होता है अल्लाह का वली होता है, अगर वो सच्चा है तो, ठीक है। तो गलत आमिल लोगों से दूर रहें, और गलत आमिल लोगों, खासकर बहनों से मैं ये बात कहती हूँ कि जो गलत आमिल लोग हैं उनसे दूर रहें, उनसे इज्तनाब करें। वो आपकी इज्जत तक को भी, आपकी आबरू तक को भी जोन सा है सेफ नहीं रखते, ठीक है। उसमें वो क्या कहते हैं क्या नहीं, बहुत से ऐसे बहनों की बातें हैं जो मैं लाइव शेयर नहीं कर सकती, लेकिन अगर आपकी बहन बेटी भी इस मसले में आमिर लोगों से रबते में है तो ना करें, ठीक है। आमिर लोगों से दूर रहें। इस्तखारा रूहानी इलाज के लिए रबता कर सकते हैं। जजाकल्ला खैरा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं, या अमल करवाना चाहते हैं, या अमलियात सीखना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक ऐप पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी मसला परेशानी है उसमें जरूरत आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, सिटी कंट्री मौजूदा, और मसला बयान, ये चीजें बताकर आप अपना इस्तखारा भी करवा सकते हैं। जज़ाकअल्लाह। और अगर आपने इस्तखारा करवाना है तभी रब्ता करें, अगर इस्तखारा नहीं करवाना तो ये दीन है, ये कोई फन या एंटरटेनमेंट नहीं है। अपना भी टाइम जाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना जाया करें। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं, उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती। जज़ाकअल्लाह।